अरे जाओ अभी जाओ। कितना चेंज किया आगे, मतलब कैसे आगे जा रहे? तो आगे जाओ मतलब एक स्टाइल आगे जाओ। हाँ इसके बाद, हाँ इसके बाद आगे जाओ। ओके आगे जाओ। आगे जाओ। आगे जाओ। फोर सेक्शन, सॉरी 1 2 3 4 5। सो इन थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर चैप्टर फोर, सो इन द थर्ड चैप्टर देयर इज ए फोर सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन इज वर्स नंबर 1 to verse number 9, वेयर अर्जुन हैज आस्क्ड द क्वेश्चन विच इज बेटर। सो विच इज बेटर, कर्म और रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। सो दैट वॉज द क्वेश्चन, द फर्स्ट सेक्शन। एंड लॉर्ड कृष्णा अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, केशव, व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन दिस कास्टली वॉरफेयर? इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटी वर्क। सो विच इज बेटर, बुद्धि जोगा और फ्रूटी वर्क? सकाम कर्म, वर्क विद द डिजायर टू एंजॉय एंड बुद्धि जोगा, विच इज बेटर? सो अर्जुन हैव डाउट बिकॉज अर्जुन थॉट दैट बुद्धि जोगा मीन्स डिटैच, वर्क विद डिटैचमेंट मीन्स अर्जुन थॉट दैट इज अ रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। अर्जुन थॉट दैट कर्म त्याग, अर्जुन थॉट दैट बुद्धि जोगा इज कर्म त्याग। एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीक, एक्चुअली अर्जुन मेड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। सो बिकॉज देर इज मेनी पीपल दोज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म देयर वर्क एंड बिफोर बिकमिंग प्यूरिफाइड फ्रॉम द मेटेरियल प्लेटफॉर्म, बिफोर गेटिंग प्यूरिफाइड by performing their responsibility, they artificially give up the responsibility. And therefore, last week we have seen that some yogis, some sadhus, so-called sadhus, they are smoking ganja, playing football. तो पीछे जाइए, वो वाला स्लाइड दिखाइए पीछे, मतलब yes. So this kind of sadhu, it is very common in India. One time I was in my home, so I just came in touch with ISKCON, and there was one sadhu came and he was chanting Hare Krishna, and then he sat,
he sat in our home, so I thought that he's a good sadhu maybe. Then I saw that he liked his kya bolte biri. Biri nikala aur fir biri kya bolte hain biri phukne lage. तो मैंने उनको पूछा, मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं पूछा कि अरे आप कैसे बीड़ी पी रहे हैं, ये तो साधु, तो साधु लोगों को तो ऐसे पीना नहीं चाहिए. तो थोड़ा शर्मा गए हो. बोले हाँ आपने सही कहा, साधुओं को नशा नहीं करना चाहिए. तो मेरे को बहुत खराब लगा तो उनको देख के कि वो हरि नाम कर रहे हैं और साधुओं के पोशाक में हैं लेकिन बीड़ी फूंक रहे हैं. तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे तथाकथित रिनाउंसिएट हैं जो अपने कर्तव्य को पालन करके शुद्ध होने के पहले ही अपने भौतिक जो दायित्व को छोड़ देते और दूसरे के पैसे में जीते हैं. क्योंकि आप साधु बन जाएंगे तो लोग आपको दान करेंगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, और इसलिए बहुत लोग इस साधु को ही प्रोफेशन बना लेते हैं. साधु के बेस से वो अपने जीवन निर्वाह करते हैं. तो ऐसे तथाकथित साधु फिर क्या होता है, दोबारा भौतिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं लेकिन फिर से दोबारा भौतिक स्तर में आ जाते हैं. तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं. दूसरे और कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत अटैच रहते हैं, वो लोग रिनाउंसिएशन नहीं लेते. वो लोग बोलते हाँ कृष्ण तो बोला है कर्म ही धर्म है, रिनाउंसिएशन नहीं लेना चाहिए, अच्छा मौका है, पूरा अटैच रहेंगे. तो दूसरे तरफ कुछ लोग होते पूरे भौतिक लाइफ में डूबे रहते हैं, वो अपने बच्चे लोगों को भक्ति में आने नहीं देते हैं, और वो लोग भी केवल कर्म ही धर्म और बोलते हैं गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, ऐसे बोल के भगवान के भक्ति या डिटैचमेंट नहीं 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 दिखाते हैं. तो दोनों एक्सट्रीम है, दोनों ही गलत है. तो इसलिए अर्जुन उनके बिहाफ में, उनके लिए या पूरे दुनिया को शिक्षा प्रदान करने के लिए कृष्ण को पूछ रहे हैं. क्योंकि कृष्ण को पूछेंगे तो क्या होगा, पूरे विश्व को दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा. तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि विच इज बेटर, फ्रूटी वर्क और बुद्धि योग. तो इन अर्जुनस एंगल बुद्धि योग वॉज कर्म त्याग. So Krishna did not approve karma tyag before getting completely purified. Before getting completely purified by performing the prescribed duty. So when somebody performs his prescribed duty means according to varna and ashram. Varna or ashram ke hisab se jo unke kartavya hai, daitya hai, usko palan karne se koi shuddh hota hai. और शुद्ध होके फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं. अज्ञान क्या है, आई एम दिस बॉडी. अज्ञान क्या है, आई एम दिस बॉडी एंड आई एम द एंजॉयर ऑफ दिस बॉडी, आई एम टू एंजॉय द बॉडी. एंड व्हाट इज नॉलेज, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल. एंड हु इज दिस सोल, सोल कौन है, भगवान के अंश हैं. तो इस प्रकार आत्मा भगवान की सेवक है, आवर ड्यूटी इज टू सर्व. नाउ व्हाट इज अज्ञान, आई एम द एंजॉयर, दैट इज अज्ञान. ज्ञान इज आई एम सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड और सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड यू आर सपोज टू सर्व द गॉड, दैट इज नॉलेज. So when somebody performs his prescribed duty properly in connection with God, he gets purified
and then this, when one is get purified, the knowledge reveals. He get realization. He realizes his original position, that I am servant of Krishna. Then he can renounce. He can renounce the material activity and completely devoted to the Supreme Personality of Godhead. So, so in the first section, Arjuna asked these questions, and Krishna did not approve. Krishna did not approve Arjuna's proposal, and Krishna says, "Oh, sinless Arjuna, I have already prescribed, already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Krishna already explained before in the second chapter in Sankhya Yoga." The different hierarchy of yoga, different hierarchy of yoga ladder. In the second chapter we have already discussed. So there's two class of men who try to realize the self. Apne aapko samajhne ke prayas karte. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation. Jnana yogena sankhayan. Sankhayam karma yogena yogina, and others by devotional service. So one is by philosophical speculation or the analytical study of soul. Analytical study of soul means philosophical understanding, a different angle, that how you are not this body or soul, how what is the characteristic of body, what is the characteristic of soul, like that. So that is one way, and another way is by performing devotional service to the Lord, or performing offering the work or karma to the Supreme Lord. So when we do that, then we get purified. And then in the final verse of the first section, the concluding verse of the first section, that is text number 9. So text number 9, आप लोग repeat कर सकते हैं मेरे साथ साथ. यज्ञार्थात् कर्मणान्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय असंग समाचर. Yes. Translation, somebody read out the translation. Text number 9 ka translation par lijiye koi. Yes, who will read? Gopal? Yes, Prabhu. झटपट मत करिए. यस, व्हाट हैपेंड? ओके, मैं पढ़ देता हूँ. ओके संग्राम, वुड यू लाइक टू डू इट? यस प्रभुजी. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way, you will always remain free from bondage. So in the beginning, Krishna did not approve karma tyag, performing the prescribed duty. Now, in this particular verse, Krishna is speaking one step ahead, or the more perfect art of performing our duty.
What is that? Na yagyarthat karmano. You perform the sacrifice or work for the satisfaction of Lord Vishnu. Huh? Work done as a sacrifice. So when you perform your work for the satisfaction of Vishnu, it becomes a sacrifice. Samajh mein aa raha hai? Aur bho? When you perform your work for the satisfaction of Vishnu, it becomes a sacrifice. Any work done for the satisfaction of Vishnu. It will come in the further verses also in this chapter. Like there is one verse. Yagya chishta sino santo muchante sarva kilvishai. So yagya chishta, the food offered to the Lord Vishnu. Yagya. So another name of Lord Vishnu is Yagya, because he is Yagyapati. And therefore his another name is Yagya. So the food offered to Lord Vishnu, Yagya Chishta Sinosa, it can destroy all the contamination of our existence. Yagya Chishta Sinosa Anta Muchanta Sarvakilvishai. It can destroy all the sinful reaction. So therefore, when bhoga is cooked for the Lord, when bhoga is cooked for the Lord, like we are cooking prasad, so that cooking is yagya, because you are cooking the food for the satisfaction of the Lord, and then you are offering that food to the Lord, so it's becoming yagya. In the similar way, like somebody is living household life. Now, if he is living God-centered household life, Krishna-centered household life, then his family life is also a yagya. His family life is also a religious life. So, because Krishna is the goal of their family life. So in this way, you can also study or you can also work for Krishna. Like many times, your work may not be directly connected with Krishna. But the devotees, they are doing their work directly to Krishna, especially the brahmacharis, the sannyasis. But the householders, they have to work many times outside to earn the money. But if you use that money, which is the result of your work, in the service of Krishna, in your home, then your work will become a sacrifice. So that is Krishna is saying here, yagyarthat karmano, work done as a sacrifice for Lord Vishnu has to be performed. Otherwise, if we don't do like that, then what will happen? Loko ayam karma bandhana. Then it will create karma bandhan, bondage. So there is one more verse in the fifth chapter where Krishna says, Bhuktaram yogya taposam. I am the enjoyer of all yagya. Another meaning of yagya is karma. So bhoktaram yagya taposam. So I am the enjoyer of all karma. So Krishna is the enjoyer of all karma, and therefore everything should be done for the satisfaction of Lord Krishna. But when we do not perform our duty for Krishna and we do it for something else, we are doing for our own sense gratification or someone else's sense gratification, then it only creates bondage, material bondage in this material world. Tadartham karma kunte mukta sanga samarcha charo. And therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duty for his satisfaction, and in this way you will always remain free from bondage. So even after working, you will not have any karma bandhan. Karma karke bhi karma bandhan nahi hoga. To ye Krishna keh rahe hain. To karma tyag mat kariye, lekin karma bhagwan ke liye kariye. और जब कर्म भगवान के लिए करेंगे तो आपका कोई कर्म बंधन नहीं।
नहीं होगा। अगर आप प्री मैच्योरली कर्म को छोड़ देते हैं तो फिर गुण के प्रभाव से, प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव से दोबारा आप भौतिक स्तर में गिर जाएंगे। तो इसलिए आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से कर्म करिए और उस कर्म को क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, उस कर्म को भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति योग में किसी को प्री मैच्योरली आपने जो कर्तव्य है उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। ज्ञान योग में लोगों को बहुत वैराग्य या संन्यास ये सब बहुत तपस्या करना पड़ता है। ज्ञान योग में हिमालय जाना पड़ता है घर बार छोड़ के, लेकिन भक्ति योग में आप घर में रह के सब कुछ भगवान के लिए करने के द्वारा भगवान के प्रति अटैचमेंट और इस भौतिक जगत के प्रति डिटैचमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए अपना कर्तव्य करते हुए आप डिटैच रह सकते हैं और भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं योगा इन एक्शन, योगा इन एक्शन और भक्ति योगा। तो इस प्रकार दिस इज द फर्स्ट सेक्शन एंड इन द सेकेंड सेक्शन कृष्णा इज सेकेंड सेक्शन इज चैप्टर सॉरी वर्स नंबर 10 टू वर्स नंबर 16 वर्स नंबर 10 टू वर्स नंबर 16 वेयर कृष्णा विल बी स्पीकिंग हाउ वन कैन रीच टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कर्म योगा फ्रॉम कर्म कांड। कर्म योग से कर्म कांड में कैसे एक व्यक्ति पहुंच सकता है, उसका सिस्टम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, आगे चलिए। तो अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बहुत सेटल है और इसको सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे, अपने आपके साथ रिलेट कर पाएंगे। सो देयर इज कर्म कांड मीन्स सकाम कर्म, आपने संतुष्टि के लिए कर्म को करना। फिर कर्म योगा मतलब कर्म को भगवान से कनेक्ट करना। अभी तो मैं पहले अपने संतुष्टि के लिए मेरा जो इच्छा है वैसे काम कर रहे थे, ठीक से बैठे तो नींद नहीं आएगा। सीट प्रॉपरली, डोंट टेक शेल्टर ऑफ द वॉल, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। सो कर्म कांड से कर्म योगा, कर्म योगा मीन्स यू आर कनेक्टिंग योर कर्म टू कृष्णा, मीन्स यू आर कनेक्टिंग योर प्रेस्क्राइब कर्म विथ कृष्णा। एंड when you perform your prescribed duty to Krishna, then you become purified. And when you become purified, then you receive transcendental knowledge. So then, karma yoga leads to jnana yoga, because knowledge reveals to you. So in this jnana yoga, one realizes oneself. But still, there is a danger of merging with the Supreme Personality of Godhead. भगवान से एकाकार होने की एक 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 रिस्क रह जाता है। भगवान से एकाकार हो जाने के रिस्क रह जाता है। जनरली ज्ञानी दे आर लॉन्गिंग फॉर मुक्ति, ज्ञानी लोग मुक्ति के कामना करते हैं, लेकिन उस ज्ञान योग में भगवान से एकाकार होने की एक एक क्या बोलते भगवान से एकाकार होने की एक 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 रिस्क रहता है। तो तब ज्ञान योगी जब भगवान के पूर्ण अस्तित्व का अनुभव करते हैं, भगवान के साथ अपना प्रेममय संबंध का अनुभव करते हैं, भगवान के प्रति सारे कर्म अनुष्ठान करने के द्वारा जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, तब वो भगवान की प्रेममय सेवा के स्तर में स्थित हो जाते हैं, भगवान के भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो
तो ये जो भगवान के प्रति भक्ति है ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ज्ञान क्या है? भगवान ईश्वर है और जीव उनकी सेवक है। और जब सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है, तो वो कर्म के भी पराकाष्ठा है, क्योंकि कर्म तो भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ के भोगता है। तो जब सब कुछ भगवान के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है तो वो कर्म की पराकाष्ठा है। और जो कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को जब पालन करते हैं तो कर्तव्य को पालन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, वो शुद्ध होते ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो ज्ञान क्या है ना, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं भगवान की दास हूं। और जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, हाँ, भगवान की भक्ति कर रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान का एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है? ज्ञान का एप्लीकेशन है। तो ज्ञान योग में एक भगवान से एकाकार होने की एक रिस्क रहता है, लेकिन जब ज्ञानी अपने और शुद्ध हो जाता है भगवान के भक्तों के संग संग में आके, तो तब क्या होता है, ज्ञानी समझ जाते हैं। बहुत प्रकार के ज्ञानी हैं, निर्विशेष ज्ञानी हैं जो भगवान को निराकार समझते हैं, इसको कहते हैं निर्विशेष ज्ञानी, जो भगवान से एकाकार होने की वासना रखते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानी भी वो निर्विशेष स्तर से फिर दोबारा गिर जाते हैं इस भौतिक जगत में। लेकिन जो भक्ति योगी है, जिसके पास भक्ति ज्ञान है या पूर्ण ज्ञान है, मुक्ति हित्थानुथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, वो अपने स्वरूप में अधिष्ठित हो जाता है, भगवान की शाश्वत सेवा में युक्त हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता है। नहीं तो निर्विशेषवादी ज्ञानी, उनका पतन हो जाता है, पतन्ति अधो अनावृतो जुष्मात्। तो ते अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना पतन्ति अधो। जब कोई व्यक्ति भगवान अरविंदाक्ष, जिनके आंखें कमल के जैसा है, ते अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं। जब ज्ञानी भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते, भगवान से एकाकार होने के लिए सोचते हैं, अर्थात भगवान बन जाएंगे, इसका मतलब है भगवान से एकाकार होना का मतलब भगवान बन जाना, तो तब क्या होता है, भगवान से तो आप एकाकार नहीं हो सकते, हाँ, तो क्या होता है, उस जगह से पतन हो जाता है। तो इस प्रकार भक्ति योग, हाँ, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो इसका वर्णन किया गया है सेकेंड सेक्शन में। तो अभी आपका जो कर्म है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है भगवान के संतुष्टि के लिए, कैसे किया जा सकता है, वो सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड सेक्शन में डिस्कस किया गया है। तो सेकेंड सेक्शन में भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बोलते हैं। टेक्स्ट 10 में भगवान बोलते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरवाच प्रजापति आनेना प्रवशिष्य धामेश In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generation of men, demigods, along with the sacrifice of Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." So in the beginning of creation, सृष्टि के शुरुआत में भगवान सारे जीव को भेजा, उसके साथ साथ देवताओं को भेजे, और उसके साथ साथ उन्होंने यज्ञ पालन करने की आदेश दिए। यज्ञ के जो विधि है उसके बारे में
यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के प्रति यज्ञ के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको आपके जितने भी जो जो जरूरत है, आपके जितने भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर आप यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, जितने भी देवता लोग हैं जो भगवान विष्णु के अंग प्रत्यंग हैं, वो आपके सारे जरूरत को, सारे चाहिदा को पूरी करेंगे और अंत में आप मुक्ति भी प्राप्त कर जाएंगे। तो भगवान ने इस प्रकार कहा। टेक्स्ट 11 Somebody read the translation of text 11. 11 का ट्रांसलेशन पढ़िए। यस, फटाफट तो ऑनलाइन से पढ़िए। द डेमिगॉड, ओके पढ़िए पढ़िए। द डेमिगॉड बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइस विल आल्सो प्लीज यू एंड दस बाय कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमिगॉड्स प्रॉस्पेरिटी विल रिगेन फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट वर्स रीड द ट्रांसलेशन। Show the translation. Yes, read out. In charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna sacrifice will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो फिर क्या होगा, जो देवता गण है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान। तो देवता लोग, अगर आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो देवतागण क्या करेंगे, ने आपके सारे जरूरत जो है वो आपको दान करेंगे, प्रदान करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये सारा चीज को प्राप्त करके, सारा चीज को प्राप्त करके जो देवता को दिया हुआ जो गिफ्ट है, जो अलग अलग प्रकार के चीज हम लोग प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में, वो देवता को ऑफर नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो निश्चित रूप से वो एक चोर है। तो कभी जब यज्ञ होता है, जो यज्ञ है, तो ये जो यज्ञ है ये भगवान विष्णु के मुंह है। यज्ञ कुंड इज माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द यज्ञिक फायर इज द टंग ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इन द यज्ञ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इज ऑफर टू द यज्ञ कुंड, लाइक द ग्रेन्स, द फ्रूट्स, द ज्वेलरीज, द सिल्क साड़ीज, सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर लाइफ। एक्चुअली इट्स एवरीथिंग इज गिवन बाय द Lord himself, and when we offer back to the Lord, then he become very satisfied. So God has given us everything, and we, as a gratitude, we should offer back to the Lord in the process of yajna. Om Govindaya Swaha, Om Keshavaya Swaha, Om Tivikramaya Swaha, Om Krishnaya Swaha. Swaha means I am offering to you. I am offering to you. You have given to me. I am offering to you. So as I am your servant, you are the master. So in this way, by the process of yajna, we offer to Lord Vishnu. Now the demigods, they are the representative of Lord Vishnu. The devata gan hai. भगवान विष्णु के प्रतिनिधि है, दे टेक केयर ऑफ द यूनिवर्सल अफेयर,
इस भौतिक जगत में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे इंद्र बारिश का देवता है, फिर पवन देव है वायु का देवता है, और फिर सूर्य देव है जो प्रकाश देते हैं, चंद्र देव है जिसमें जो सब्जियां देती है देते हैं, और सब्जी में जो रस है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हाँ सरस्वती विद्या की है देवी है, लक्ष्मी देवी धन की देवी है, इस प्रकार बहुत सारे प्रकार के देवी देवता है जो हमारे सारे जरूरत को पूरी करते हैं। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, और भगवान कृष्ण जो है, विष्णु जो है, वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को सारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक्सेस है, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर है। तो डेमीगॉड जो होते कैबिनेट मिनिस्टर, तो इधर भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, अभी यज्ञ का अर्थ मैंने पहले बता चुका हूं। यज्ञ का अर्थ क्या है? एक तो यज्ञ का अर्थ है कि यज्ञ कुंड में आहुति देना, और दूसरा अर्थ क्या है, इनर मीनिंग क्या है? इनर मीनिंग मैंने पहले कहा था, यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? कर्म। कर्म जब भगवान के लिए अनुष्ठान किया जाता है तब उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। द वर्क परफॉर्म फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, इट इज कॉल्ड यज्ञ। तो इस प्रकार जब यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है भगवान के लिए, अर्थात सारे कर्म भगवान के लिए किया जाता है, तो तब क्या होता है, जितने भी डेमीगॉड्स हैं वो हमें सारे जरूरतें पूरी करते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, अभी सारा यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया। कलियुग में यज्ञ क्या है? कलियुग में यज्ञ क्या है? कोई बोल सकते हैं ऑनलाइन से कलियुग के यज्ञ क्या है? नाम एंड संकीर्तन प्रभु, हरि नाम संकीर्तन। ओके, हरि बोल। यस, हरि नाम संकीर्तन इज द यज्ञ। सो इट इज मेंशन इन श्रीमद् भागवतम दैट कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्णम संगपांगस्त पार्षदम यज्ञै संकीर्तनै प्राहै यजन्ति सुमेधसा। तो यज्ञै संकीर्तनै प्राहै, इन कलियुग द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल दे विल वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड बाय परफॉर्मिंग संकीर्तन यज्ञ। सो एंड मेनी प्लेसेस हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नथा, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो हरे नाम इव केवलम, सो चैंटिंग हरे कृष्णा इज द संकीर्तन यज्ञ। इन कलियुग पीपल आर वेरी वेरी मैटेरियलिस्टिक, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग एनी यज्ञ। सो देयरफॉर मदर नेचर इज टेकिंग अवे एवरीथिंग। मदर नेचर प्रोवाइडिंग ऑल द गिफ्ट्स, प्रोवाइड्स ऑल द गिफ्ट्स, एंड द डेमीगॉड्स दे आर द इंचार्ज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो व्हेन द पीपल डू नॉट परफॉर्म देयर सैक्रिफाइस यज्ञ फॉर लॉर्ड विष्णु, देन मदर नेचर विल टेक अवे, मदर नेचर इज टेकिंग अवे, देयर इज लैक ऑफ प्योर वाटर, there is so much pollutions, there is lack of milk, ghee, butter, vegetables, and there is no proper supply of grains and fruits, juices, everything. And we see so much hybrid and fruits, hybrid fruits which does not have any fruit values. The fruits mixed with chemical and all these things are coming up. So more people stop performing yajna, more mother nature will take away. The demigods will not supply. Demigod will not supply. So therefore it is very very important to perform yajna. Or Kali Yuga the yajna is chanting Hare Krishna, and yajna means
work performed for the satisfaction of Lord Vishnu. So when you chant Hare Krishna and you perform your prescribed duty for the satisfaction of Lord Vishnu, you are performing yajna. And when you perform yajna, then the Lord will supply. थोड़ा एक एक window खोल दो ना, थोड़ा सा खोल दो. नहीं इधर मत खोल, इधर मत बस 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 बस. Yes. So in this way, Lord Krishna is saying that when we perform yajna, then the demigods will supply all our necessities. And but one who enjoys such gift without offering them to the demigods in return is certainly the thief. So we are getting, then we should return back. We should return back, and when we return back, the demigods will give again. Understand? Then Krishna is saying in 13th verse, yajna chista sino santo muchante sarva kil vishai भुंजन्ते तेतु अघं पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्. चेंज करो स्लाइड. ये संबर रीड आउट द ट्रांसलेशन. यस मिलन सिंह, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन. Nilan Singh, Sanjit Kumar, aap log hai idhar? आप सभी को भगवत गीता भेजा गया है एज अ गिफ्ट. ओके दीक्षा, कैन यू रीड आउट द ट्रांसलेशन. ऑल आर स्लीपिंग. ओके आप लोग करिए, आप इसको एजन करिए. डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस बिकॉज़ दे फूड इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस. अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेल्फ एंजॉयमेंट वेरी गुड ही सेड. सो जग्या चिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय. सो व्हेन फूड इज ऑफर्ड, so how you can connect your every activity with Lord Vishnu, that is this section. So second section of third chapter, karma kanda to karma yoga. So karma kanda to karma yoga, that is Lord Krishna is saying. So in the previous verse, previous verses Krishna have spoken, Lord Krishna have spoken that when you perform sacrifice, the demigods supply all necessities. So Lord Krishna is recommending to perform yajna. Now Kali Yuga yajna is chanting Hare Krishna. Okay. Now when you perform yajna, then the demigods will supply all the necessities, all the desired necessities: fruits, grains, jewelries, wealth, good health. Even wife, children, family, prosperity, post, position, everything can be achieved by performing yajna. So the demigods will offer on behalf of Lord Vishnu, the demigod will offer you everything. So and then when they offer you the gift, then you should return back also. Then you should return back also. As you should remember that as a mercy of
as a mercy of the demigods, as a mercy of the Supreme Lord, you have received. And thus, you become obliged to them. You become grateful to them. Otherwise, one become atheistic. Otherwise, one become atheistic. He thinks that there is no higher authority. There is no God. There is no demigods. I am the doer. Because of me, everything is taking place. So there is three type of karma. Karma, akarma and bikarma. So bikarma means sinful activity. When somebody is performing activity, unauthorized activity, like the breaking the four regulative principles, or activity which is connected with meat eating, gambling, illicit sex, intoxication. These are the irreligious activity. So they are called bikarmis. And the karma means prescribed duty according to the scripture. They are called karma. We are discussing about karma. Performing sacrifice for the demigods. So demigods will supply your different necessities. So when the sacrifice is performed or the duty is performed for the satisfaction of Lord Vishnu or the demigods, puja is performed for the demigods, that is called karma. And akarma means when you practice pure devotional service, when you do something for the Supreme Lord without any expectation, that is called akarma. Now, Lord Krishna, he is saying that you should first offer the sacrifice, and then the demigods will provide you all necessities. And when they provide all necessities, then you offer them back. So this is one way to get your for getting our basic necessities. We do work. करेक्ट हम लोग काम क्यों करते हैं हमारे बेसिक जरूरत को प्राप्त करने के लिए उसको कर्म कहते हैं अभी भगवान कह रहे हैं कि आप यज्ञ करिए यज्ञ करने से आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म करने से अर्थात यज्ञ करने से आपका अर्थ मिलेगा और अगर अर्थ प्राप्त होगा अर्थ प्राप्त होने से क्या होगा ना काम आपके जो इच्छा है उसको पूरी कर पाएंगे तो इस दुनिया में अभी का सिचुएशन क्या है लोग धर्म नहीं करते लोग धर्म अनुष्ठान नहीं करते केवल अर्थ के पीछे एक्चुअली धर्म करने से अर्थ मिलता है क्योंकि धर्म करने से आपको पुण्य होगा और उस पुण्य के संचय स्वरूप आपको भौतिक वस्तुएं प्राप्त होंगे बिना सेक्रीफाइस से अगर हम लोग अर्थ प्राप्त करने के प्रयास करते हैं बिना धर्म करके या यज्ञ करके अगर हम लोग धन संचय करने के प्रयास करते हैं तो वो धन ज्यादा समय हमारे पास नहीं टिकेगा या वो धन जो हम लोग पाप कर्म करने के द्वारा जो धन कमाते हैं हम लोग वो हमें हमारा हमारा अधपतन का या हमारा बंधन का कारण होगा इस भौतिक जगत में दुख का कारण होगा तो इसलिए अगर हम लोग धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो भगवान लक्ष्मीपति है सारे देवतागण आपको जरूरत को पूरी करेंगे तो इसलिए कर्म जो है भगवान के लिए करने के लिए बोल रहे हैं और इस प्रकार कर्म कांड से आप कर्म योग में पहुंच सकते हैं कर्म कांड से कर्म योग में पहुंच सकते हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बिकर्मी यू बिकम ए कर्मी फास्ट विकर्मी मतलब पशु के स्तर में और कर्मी मतलब मनुष्य के स्तर में तो जो भगवान के कनेक्शन में या धर्म अनुष्ठान करने के बिना कर्म करते वो पशु के स्तर में है जो पाप कार्य के द्वारा धन कमाते हैं पीपल डू सम वर्क व्हिच इज रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशंस रिलेटेड टू गैम्बलिंग रिलेटेड टू इलिसिट सेक्स इफ समबडी इज लाइक वर्किंग सम कंपनी The company which is like producing cigarettes, producing wine, producing tea, coffee, or
or it is connected with gambling, intoxication, like people are working in hotel, and the hotel, all this nonsense are happening. So then he's indirectly helping, directly, indirectly helping in those activities. Today, like the hotel industries or film industries, people are working in the film industries, all nonsense are happening. So they are showing all nonsense activities. So these are called bikarma, sinful activities. Sinful activities. So so in this way, one should perform their duty for the satisfaction of Lord Vishnu, or one should perform sacrifice, and the demigods will provide all the necessities. So thus, thus one has to give up the sinful activities and connect his duty with Lord Vishnu. So thus he can promote it from karma kanda to karma yoga. And the second thing is spoken in this verse. That yogya chista sino santo muchante sarva kilvishai. A devotee of the Lord are released from all kind of sin because they eat food. they eat food which is offered fast to offer fast for sacrifice. Otherwise, who prepare food for personal enjoyment verily eats only sin. तो हम लोग अपने जीवन धारण करने के लिए हम लोगों को खाने का जरूरत होता है, और खाना जुगाड़ करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, करेक्ट? तो जब आप काम करते हैं, अच्छे से सुनो, इसको उसको नहीं देख के अच्छे से सुनो, तो जब हम लोग काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, और उसमें जो धन इकट्ठा होता है, और उस धन से जब हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना जब भोजन जब भगवान को अर्पण होता है, तो आवर फूड इज कनेक्टेड विथ कर्मा. आवर फूड इज कनेक्टेड विथ कर्मा. दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग. हाउ यू कैन कनेक्ट योर कर्मा टू कृष्णा? व्हेन यू ऑफर योर फूड टू कृष्णा, योर कर्मा इज कनेक्टेड विथ कृष्णा. शास्त्र कहते हैं कि जब आप कोई भोजन खाते हैं, जो खाते उसको छह व्यक्ति को कर्म लेना पड़ता है, छह व्यक्ति का कर्म लेना पड़ता है. जो राजा है, राजा को प्रजा का 1/6% कर्मा द किंग हैज टू टेक. 1/6% कर्मा ऑफ द प्रजा सिटीजन द किंग हैज टू सफर, किंग हैज टू टेक. सो देयरफॉर इफ द किंग डज नॉट टीच हिज सिटीजन to work for the satisfaction of Lord Vishnu, or give up the sinful activities. अगर राजा प्रजा को पाप कर्म करने के लिए, पाप कर्म छोड़ने के लिए guide नहीं करते हैं, तो प्रजा का सारे पाप का फल राजा को लेना पड़ेगा. उसी प्रकार माता पिता जो संतान उत्पादन किए हैं, अगर बच्चे को पाप कर्म करने नहीं करने से गाइडेंस नहीं देते हैं, और भगवान विष्णु के लिए कर्म करने के लिए नहीं सिखाते हैं, तो उनके कर्म की फल माता पिता को लेना पड़ेगा. यस सर. उसी प्रकार जो गुरु है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान करते हैं, शिष्य की पाप कर्म की फल गुरु को भुगतना पड़ता है. तो सो दीज आर आवर कर्मा. किंग इज डूइंग हिज कर्मा ड्यूटी, पेरेंट्स आर डूइंग देयर ड्यूटी, से कर्मा. समझ में आ रहा है आप लोगों का? उसी प्रकार स्टूडेंट का ड्यूटी है. तो स्टूडेंट लोग अगर गुरु या शास्त्र के आदेश को अनुसार अगर आचरण नहीं करते हैं, तो पुत्र नहीं होते, क्या हो जाता है? मूत्र. पुत्र एंड मूत्र बोथ कम फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी.
same part of the father. Putra is taking birth by semen and mutra is coming from the same part of the father. If the student or putra or student means brahmachari, if he's not acting according to the guideline of scripture or father or guru, then he's simply a mutra, not putra. So is prakar har karma jo karte uska phal, iska reaction hai. जो भी हम लोग कर्म करते उसका रिएक्शन है. तो इसे कृष्ण कह रहे हैं इधर, किस प्रकार आपके कर्म को कर्म कांड से आप कर्म योग में जा सकते हैं, कर्म को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, कर्म को भगवान की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, और इसलिए आपको कर्म छोड़ना नहीं पड़ेगा लेकिन कर्म की बंधन भी नहीं रहेगा. तो अभी जो हम लोग खाना खाते हैं उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और इसलिए हमारा जो भोजन है वो कर्म के साथ कनेक्टेड है. हमारा जो तो जो व्यक्ति कोई खाते उसमें 5 व्यक्ति का 6 व्यक्ति का कर्म लेना पड़ता है, जिसने बीज बोया है, जिसने उसको खेती किया है, जिसने उसको उगाया है, उठाया है, जिसने उसको मार्केट में लाया है, 4 लोग हो गया, जिसने खरीद के लाया है, 5 लोग हो गया, जिसने कुकिंग किया है. तो 6 लोगों की कर्म जो खाते हैं उसको लेना पड़ता है. तो इधर बोल रहे हैं भगवान जे भुंजन ते तो अघं पापा जे पचंती आत्म कारणात्, जो भुंजन ते तो अघं पापा जे पचंती आत्म, जो अपने लिए रसोई करते हैं, जो खुद के लिए रसोई करते हैं, वो क्या खाते हैं? भुंजन ते तो अघं पापा, पाप खाते हैं. इज नॉट ईटिंग ग्रेन, इज नॉट ईटिंग फूड, एक्चुअली इज ईटिंग सीन ऑफ 6 पीपल. एंड दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग, यज्ञच्छिष्ट सिनो संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय. संतो मीन्स साधु और डिवोटीज. तो डिवोटी ऑफर द फूड टू द टू लॉर्ड विष्णु एंड ईट एज ए प्रसाद. मुच्चन्ते सर्व किल विषय एंड कंज्यूमिंग सच प्रसाद सैंक्टिफाइड फूड डिस्ट्रॉय ऑल रिएक्शन ऑफ सिन. तो आप जब भोजन, आप जो कर्म करके पैसा कमा के जो रसोई करते हैं वो भगवान को भोग लगाना चाहिए. और आपको पता है भगवान क्या खाते हैं, और आपको पता है भगवान क्या नहीं खाते हैं. तो इसलिए जो भगवान नहीं खाते उसको रसोई मत करिए. अंडम मांसम माछलम. तो कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नॉट पत्रम अंडम मांसम. That is not food for the human being. That is the food for the animals. And if you are eating those food, what to speak of not eating prasad? If we are eating non-vegetarian food, next life you have animal body guaranteed. You may be engineer, you may be doctor, you may be have higher post, but next life you have to have Mr. Dog. Mr. Dog working in the same company. So therefore, whatever is spoken in Bhagavad Gita is not some joke, not some sentiment. So Bhagavad Gita is a manual of human life. And Krishna giving us the guideline, what we are supposed to do, what we are not supposed to do. So we should cook vegetarian food and offer to the Supreme Lord and take it as a prasad. And when you take as prasad, then what will happen? Uchchante sarva kil vishayi. Aapke sare paap nasht ho jayega Bhagwan ki prasad khane ke dwara. So like in Hawaii, we have nice facility to take prasad every day. So every bhoga is offered to the Lord and you are getting prasad, and ISKCON we have such a nice prasad, so all delicious specials items you can cook for the Lord, and you can get his prasad, so you can take it in your home also. So instead of eating all unauthorized food, you can offer many delicious item to the Lord, and Prabhupada says ISKCON is a kitchen religion.
iskon is a kitchen religion where so many tasty item is cooked and offered to the Lord, and the devotees are happily taking those prasad and blissfully practicing spiritual life. So in this way, food is connected with karma, and when your food is offered to the Lord, then your karma is offered to the Lord. Your food habits are also connected with God. So like that, you can come to karma kanda to karma yoga, karma kanda to karma yoga. So then text number 14, आप लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बोले फेमस वर्स है, अन्याद भवंती भूतानि, अन्न संभव जगत भव ट्रांसलेशन प्रीतम प्रधान राज नारायण एनीवन मिलन सिंह कुणाल अनुवाद पढ़ सकते संजीत फास्ट ऑल लिविंग बॉडीज subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna sacrifice, and yajna is one of prescribed duties. Okay. तो अन्यत भवंती भूतानि, हम लोग अन्न खाने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, है ना, शरीर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को अन्न का जरूरत होता है. तो अन्यत भवंती भूतानि, तो अन्य सभी व्यक्ति को जरूरत है. अभी वो अन्न कैसे प्राप्त होता है, प्रजन्यत मतलब रेन, इसलिए इंद्रदेव का एक नाम है प्रजन्य, क्योंकि इंद्र वृष्टि के देवता है. तो अन्याद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव, तो वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, प्रजन्याद अन्न संभव. यज्ञाद भवन्ति प्रजन्य, अभी वृष्टि किस लिए होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, यज्ञ करने से. तो यज्ञ करने से देवता लोग संतुष्ट होते हैं, इंद्र संतुष्ट होता है विशेष करके, और वो वृष्टि देते हैं. आपको वो भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला पता है, तो गोवर्धन लीला के समय क्या हुआ था, तो गोवर्धन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण इंद्र के यज्ञ बंद कर दिया था. तो इंद्र यज्ञ बंद करना चाहते थे, तो कृष्ण ने नंद महाराज को पूछा कि नंद के पिताजी, आप यज्ञ क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग तो वैश्य हैं, हम लोग का कर्तव्य है कृषि गोरक्षा वाणिज्य, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यज्ञ क्यों कर रहे हैं. बोले बेटा, हम लोग तो वैश्य हैं, हम लोग गो पालन करते हैं, और गायों की मेंटेनेंस के लिए, गायों की भोजन जो है घास है, और जब वृष्टि होता है, बरसात होता है, तो क्या होता है, बहुत घास उगता है, और वो घास खाके हमारे गाय लोग बहुत दूध देती है, और उस दूध से हम लोगों की मेंटेनेंस होता है, दूध से हम लोगों की विस्तार होता है, हमारे प्रॉस्पेरिटी होता है, और जब बारिश होता है तो क्या होता है, खेती होता है. तो इसलिए हम लोग हर साल यज्ञ करते हैं, और हर साल यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, और इंद्रदेव प्रसन्न होते तो हमारे वैश्य जो समाज है, हम लोगों की वृद्धि होता है, हम लोगों की डेवलपमेंट होता है. तो तब भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली कर्म मीमांसा फिलोसॉफी क्या बोलते हैं, नंद महाराज को बताया. एक्चुअली इंद्र बहुत अहंकार हो गए थे, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान इधर चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम लोग यज्ञ करेंगे तो देवता लोग सारे फैसिलिटी देंगे. अभी तो यज्ञ तो भगवान विष्णु के मुंह है, यज्ञ तो भगवान विष्णु के मुंह है, तो यज्ञ करने से देवता लोग क्यों देंगे,
यज्ञ करने से देवता लोग क्यों देंगे? भगवान विष्णु को देना चाहिए ना, देवता लोग क्यों देंगे? तो यज्ञ करने से देवता लोग इसलिए देंगे क्योंकि देवता लोग भगवान विष्णु के सेवक है, देवता लोग भगवान विष्णु के अंग प्रत्यंग है। तो भगवान विष्णु को करना नहीं पड़ता है, भगवान विष्णु भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं और भगवान विष्णु के बिहाफ में देवता लोग सब कुछ करते हैं। तभी इंद्र को अहंकार हो गया था, इंद्र सोचा था कि मैं ही सब कुछ हूं, बहुत अहंकार हो गया था और इसलिए इंद्र के गर्व को चूर्ण करने के लिए, इंद्र की अहंकार को चूर्ण करने के लिए इंद्र सोच रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूं और भगवान को भूल गया था। तो जरूरत है घुस के लेके चले जाओ। तो तब क्या हुआ, भगवान ने पर्पसफुली इंद्र के जो अहंकार है उसको चूर्ण करने के लिए कर्म मीमांसा फिलोसफी, व्हिच इज एक्चुअली एथिस्टिक फिलोसफी, वो एथिस्टिक फिलोसफी दे के भगवान ने इंद्र की यज्ञ बंद कर दिया, इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया। दूसरे ओर भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ब्रजवासी लोग भगवान के अहोतु की भक्ति करें। अभी जो भगवान की भक्ति करते हैं देवता लोग ऐसे ही उनको जरूरतें पूरी करते हैं, उनको अलग से देवता की पूजा करना नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो सारे पेड़ की शाखा प्रशाखा परिपुष्ट हो जाता है, आपको अलग से पेड़ के जो क्या बोलते शाखा प्रशाखा है उसमें पानी देना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने से देवता लोग ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि ब्रजवासी लोग भगवान के पास पूर्ण रूप से शरणागत रहे और इसलिए वो इंद्र पूजा बंद करना चाहते थे। और जब इंद्र पूजा भगवान ने बंद कर दिया तो इंद्रदेव बहुत गुस्सा हो गए और इन लोगों का इतना किमा इतना हिम्मत, ये छोटा सा बालक कुछ नहीं पता इसको और मेरा यज्ञ बंद कर दिया, अभी मैं दिखाता हूं, ऐसा बरसात करूंगा तो वृंदावन पूरा मैप से आउट हो जाएगा। जो मैप होता है, जियोग्राफिकल मैप होता है, उससे बाहर निकल जाएगा। तो मेरे वजह से इन लोगों को सब कुछ प्राप्त होता है, शस्य या घास, जो गायों का जो विस्तार मेरे वजह से होता है क्योंकि मैं बारिश देता हूं और ये मेरा पूजा बंद कर दिया। तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। तो जब इंद्र का यज्ञ बंद हो गया तो इंद्र को यज्ञ से शक्ति प्राप्त होता है, यज्ञ से उनको परसेंटेज मिलता है, भगवान के लिए यज्ञ होता है तो इंद्र को उनका फल प्राप्त होता है, उस यज्ञ का फल इंद्र के पास जाता है, अलग अलग देवता के पास जाता है। तो फिर इंद्र बहुत क्रोधित हो गया। तो इस प्रकार जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कुछ आ रहा है शायद, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अन्न उत्पन्न होता है किससे, अन्न कैसे उत्पन्न होता है, वृष्टि से, और वृष्टि होता है किस कैसे, यज्ञ से। तो यज्ञात भवन्ति प्रजन्य, तो यज्ञ होता है, यज्ञ करने से प्रजन्य मतलब वृष्टि होता है और यज्ञ कर्म समुद्भव। और ये यज्ञ करना एक व्यक्ति के कर्तव्य है, एक व्यक्ति के कर्तव्य है, कर्म है यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ करने से उनको अन्न प्राप्त होगा, क्योंकि अन्न प्राप्त होता है वृष्टि से और वृष्टि होता है यज्ञ से, और इसलिए एक व्यक्ति को अपने जरूरत जो है फूड है उसको प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग के यज्ञ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ते कलयुग के यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। दूसरे युग में आपको फिजिकली यज्ञ करना पड़ता है, लेकिन कलयुग में क्योंकि हम लोग वो सारे प्रकार के यज्ञ नहीं कर सकते, ऐसे ब्राह्मण नहीं है, ऐसे आपको प्योर इंग्रेडिएंट्स घी हनी
एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलेगा। और कलयुग में लोग बहुत बहुत गरीब है, कलयुग के लोगों को अगर यज्ञ करने के लिए कहा जाए इतना सारे चीज वेस्ट किया जाएगा वो बताएंगे। अरे सब अग्नि कुंड में डाल के इतना सारा चीज को वेस्ट करेंगे। तो कलयुग के लोग इतने गरीब है को लोग यज्ञ नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने बोला ठीक है, ये आपका जो जीवा है, ये आपका जो 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 मुंह है ये यज्ञ कुंड है, सॉरी कान जो है यज्ञ कुंड है, और जो आपके जीवा है वो यज्ञ की आहुति देने की क्या बोलते हैं जो स्पून है। तो जब आप ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र आपके कान से आपके हृदय में प्रवेश करेगा, और आपके हृदय से हृदय में भगवान भगवान प्रकट होंगे। तो जब यज्ञ किया जाता है तो भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, यज्ञ करने के द्वारा भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वो डिजायर रिजल्ट जो है इच्छा वो पूरी करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप अपने कर्तव्य के साथ साथ भगवान की भक्ति करते हरि नाम करते हैं तो आप कर्म कांड से कर्म योग में पहुंच रहे हैं। या दूसरे ओर अगर आपके कर्म को भगवान भगवान मतलब आप जो है पाप कार्य को छोड़ते हैं और आपके कर्म को भगवान के साथ जोड़ते हैं, आपके जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है आइदर ईटिंग फूड और अर्निंग मनी और गेटिंग मैरिड, एवरीथिंग कैन बी परफॉर्म इन ए कृष्ण कॉन्शियस वे, एवरीथिंग कैन बी परफॉर्म कनेक्टेड विद कृष्णा। सो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटी कैन गेट मैरिड ऑल्सो एंड दे हैव लाइक ए कृष्ण सेंटर फैमिली लाइफ, दे कैन मैरी विद अ डिवोटी गर्ल एंड दे कैन प्रोड्यूस गॉड कॉन्शियस चिल्ड्रेन। So the sex life is also can be like devotional service. So dharma abhiruddho kamosmi, Krishna Gita में कहते हैं जो धर्म के जो favor में जो काम है कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। उसी प्रकार food आप offer कर सकते हैं भगवान को, उसी प्रकार आपके जो कर्म है कर्म के जो धन है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके जो ड्यूटीज हैं जैसे मैंने कहा था फैमिली लाइफ ग्रोइंग द चिल्ड्रेन स्टडिंग एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड विद कृष्णा। तो इस प्रकार कृष्णा ये जो थर्ड सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में भगवान भगवान कर्म कांड से कैसे कर्म योग में पहुंच सकते हैं वो बता रहे हैं। और उसमें भगवान और एक चीज बोल रहे हैं टेक्स्ट नंबर 15 में, भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वगतो ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितः। रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन वेदास एंड वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कॉन्सिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज सर्टेनली सिचुएटेड इन द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। तो और एक चीज है वेद में कहा गया है कि रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन वेदा एंड वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। तो वेद जो है भगवान से स्वयं प्रकट हुआ है, वेदास जो है भगवान से स्वयं प्रकट हुआ है। तो आप सभी को रहने के लिए कहा जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो हमारा सेकेंड अटेंडेंस होगा 12:20 को, ठीक है, 12:20 को आपका सेकेंड अटेंडेंस होगा। So, regulated activities are prescribed in Veda. तो वेद में regulated activity अर्थात regulated activity को क्या कहा जाएगा? regulated activity disciplinary work, disciplinary work, हाँ, तो work में कुछ discipline होना चाहिए। जैसे यू आर परफॉर्मिंग योर वर्क, कोई बोलते कृष्ण है सैंक्शन, कृष्ण कर्म त्याग नहीं करने के लिए बुलाए, कृष्ण बोले कर्म करने के लिए। अभी कोई कर्म कर रहा है मोर देन लाइक रिक्वायर्ड टाइम, नॉर्मली वन शुड। तो कोई व्यक्ति है 8 से 10 घंटा
काम कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत वर्कहोलिक हो जाता है, 14 घंटा 16 घंटा काम करते हैं, किस लिए ना ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा धन किस लिए, ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ज्यादा धन किस लिए ना उसके पास पास वाला उनका जो नेबर्स हैं उनको ज्यादा पैसा है तो हमें भी ऐसा पैसा चाहिए, उनके घर में 4-व्हीलर है हमारे घर में 4-व्हीलर नहीं है, उनका फ्लैट अच्छा है तो लोन लेके फ्लैट लेते हैं और लोन चुकाने के लिए घंटों घंटों काम करते हैं। तो इस प्रकार लोग काम करते हैं फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन काम किस लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। तो तब आपके जो कर्म कर्म योग होगा आपका बंधन नहीं होगा, नहीं तो हम लोग इस भौतिक जगत में बंधन में रहेंगे, भौतिक जगत में हम लोग कष्ट पाएंगे, गधा के जैसा काम करते रहेंगे, उसको कहते विकर्मा। तो कृष्णा हियर सेइंग रेगुलेटेड एक्टिविटी प्रिस्क्राइब्ड इन वेदा एंड वेदा इज डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। तो वेदा जो भगवान से स्वयं प्रकट हुआ है, वेद में कहा गया है हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए, रेगुलेटेड एक्टिविटी करना चाहिए। और इसके कॉन्टेक्स्ट में 6th चैप्टर में भगवान कहते युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न भवदस्सो योगो भवति दुःखः। तो किस प्रकार एक व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है उसके बारे में भगवान कर्म करके किस प्रकार एक व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है उसके बारे में भगवान बताए हैं 6th चैप्टर में। तो उधर भगवान कहा कहे हैं he who regulated in his habits of eating sleeping recreation and work can mitigate all material pangs by prescribing the yoga system. So he who regulate the habits of eating sleeping recreation and work all comes in the category of work, eating also comes in category of work, sleeping is also come in the category of work, recreation matlab entertainment or sexual intercourse and work other prescribed duties. So he who regulate, agar somebody is doing irregulated way more than required, like eating more than necessary, sleeping in untimely, raat ko 2 baje se leke subah 10 baje tak hota hai aur raat mein jaga rehta hai, या लोग 10 घंटा 9 घंटा 12 घंटा सोता है तो और भी खाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है हमेशा, और फिर रिक्रिएशन सेक्सुअल इंटरकोर्स मोर देन नेसेसरी बिकम लाइक स्लेव और समबडी ट्राइंग टू एंजॉय सेक्स लाइफ आउटसाइड ऑफ मैरिज। सो सेक्स लाइफ मेरा मोबाइल पर भी चार्ज कर दो Am I audible to everyone? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yes. So what I was saying that unauthorized sex life is a great sinful activities. So therefore, first of all, the sex life has to be, sex life is authorized. So but it has to be legal sex life, like religious marriage. So and then in the sex life also, in a legal sex life also, there should be some discipline.
like garbhadan samskar, so her husband and wife, they have disciplined sex life. So in this way there should be regulation in the habits, in the activities of the body. Like for the body, we have to eat, we have to sleep, we have to work, and one has to do recreation. उसमें रेगुलेशन होना चाहिए. तो शास्त्र इस प्रकार कह रहे, जब रेगुलेटेड वे में हम लोग करते हैं तो फिर क्या होता है, ऑल द मैटेरियल पैंट्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम. तो योगा सिस्टम प्रैक्टिस करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे चीज के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए. नहीं तो भगवान कह रहे हैं नाति असंता तु योगास्ति, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन्स बिकमिंग योगी ऑफ ओ अर्जुना इफ वन ईट टू मच और ईट टू लिटिल, स्लीप टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ. तो कोई व्यक्ति अगर टू मच ईटिंग, टू मच स्लीपिंग, टू मच सेक्स लाइफ, कैन नॉट प्रैक्टिस योगा. और टू लेस ऑल्सो, ही इज नॉट ईटिंग ओनली, ही इज नॉट स्लीपिंग ओनली, देन ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस योगा. तो देयरफॉर देयर शुड बी सम रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू हिज वर्ण एंड आश्रम. आश्रम के अनुसार उनको इसका रेगुलेशन होना चाहिए. कर्म के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए. तो कर्म को भगवान से कनेक्ट करना चाहिए और कर्म में रेगुलेशन होना चाहिए. तो तब क्या होगा, देयर शुड बी नो मैटेरियल मिजरी. योग भवति दुःखः, देयर विल बी नो मिजरीज. एवं प्रवृत्ति तम चक्रम अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति. माय डियर अर्जुना, वन हु डज नॉट फॉलो इन ह्यूमन लाइफ द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस दस एस्टैब्लिश्ड बाय द वेदा सर्टेनली लीड्स द लाइफ ऑफ सिन. इस प्रकार जो यज्ञ अनुष्ठान नहीं करके अपने मनुष्य जीवन को जीते हैं, सर्टेनली लीड्स लाइफ फुल ऑफ सिन, वो पाप पूर्ण जीवन जी रहे हैं. और पापमय जीवन में क्या मिलेगा, केवल दुख ही मिलेगा और उनकी अधोगति होगा. लिविंग ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस सच ए पर्सन लिव्स इन वेन. ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जीते हैं, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जीते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो मनुष्य जीवन वो व्यर्थ जाता है. तो इसलिए कर्म को भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए. और कर्म में क्या क्या चीज अनऑथोराइज्ड है वो हमें जानना चाहिए, उसको विकर्म कहते हैं. तो विकर्म को कर्म के नाम पे चलाने से नहीं होगा. तो विकर्म मतलब जैसे फोर पिलर ऑफ सिन हमने कहा है, डिस्कस किया है, एक्टिविटीज व्हिच इज रिलेटेड विथ मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, दिस आर कॉल्ड विकर्म. देन कम्स टू कर्म, प्रेस्क्राइब ड्यूटी अकॉर्डिंग टू योर वर्ण एंड आश्रम, एंड दैट हैज टू बी कनेक्टेड विथ कृष्णा. So that has to be performed for the satisfaction of Krishna. So instead of giving up one duties, karma tyag, one should perform those duties for the satisfaction of Vishnu. Then it become sacrifice. So इस प्रकार आपके जो कर्म है वो कर्म योग हो जाएगा. कर्म जो है कर्म योग होगा. And then when you perform your duties for the satisfaction of Vishnu, then it will purify you. And when it will purify you, then what will happen? When it will purify you, then you will receive transcendental knowledge. आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा. जब आप
भगवान के लिए सारे कर्तव्य करेंगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, आप अपने स्वरूप को उपलब्धि कर पाएंगे, भगवान के साथ अपना संबंध को उपलब्धि कर कर पाएंगे। तो इस प्रकार दिस इज द सेकेंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में भगवान बताएंगे, थर्ड सेक्शन में भगवान बताएंगे के थर्ड सेक्शन इज 17-35। तो थर्ड सेक्शन में भगवान दो तीन उदाहरण देंगे, एक है क्या नाम है, जनक महाराज। जनक महाराज का उदाहरण देंगे जो 20 नंबर श्लोक में आएगा, 20 नंबर श्लोक में जनक महाराज का उदाहरण देंगे, और फिर आगे भगवान खुद अपना उदाहरण देंगे 22 नंबर श्लोक में। भगवान अपना उदाहरण देंगे कि किस प्रकार ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी, ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति, जनक महाराज जैसे बड़े बड़े व्यक्ति जिनका कोई भौतिक जगत के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य को पालन करते हैं, फिर भी अपना कर्तव्य को पालन करते हैं। और फिर भगवान खुद अपना उदाहरण देते हैं कि मैं खुद अपने कर्तव्य को पालन कर रहा हूं। जैसे भगवान जब जब वृंदावन में थे तो भगवान वैश्य परिवार में जन्म लिए थे, हालांकि भगवान इससे परे हैं, भगवान कर्म के परे है, भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है क्योंकि भगवान स्वराट है, लेकिन फिर भी भगवान एक उदाहरण सेट करने के लिए, इस समाज में एक उदाहरण सेट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए खुद वैश्य के जो कर्तव्य है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य भगवान ने किया, गोपालन किया, कृषि किए, इसलिए भगवान का नाम है गोपाल, और बलराम जी के हाथ में हल रहता है, खेती करते हैं। और फिर वैश्य के जो कर्तव्य है भगवान ने वो किया, तो धर्म की पालन सिखा रहे भगवान। और फिर भगवान जब द्वारका में गृहस्थ आश्रम में थे तो गृहस्थ आश्रम में भगवान सारे जो गृहस्थ के कर्तव्य है, साधु की सेवा करना, लोगों की दान करना, फिर रिलीजियस एक्टिविटी करना, बच्चे को पालन करना, तो भगवान सब खुद पालन करके सिखाया है। हालांकि भगवान इससे परे है, नतस्य कार्यम कारणम न विद्यते, भगवान के कोई कार्य नहीं है क्योंकि भगवान सब कुछ के कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है क्योंकि भगवान सब कुछ के कारण है, लेकिन फिर भी भगवान खुद आचरण करके सिखा रहे हैं किस प्रकार हमें हमें हमारा जो कर्तव्य है वो पालन करना चाहिए, और कर्तव्य भगवान के संतुष्टि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, और हमें यज्ञ करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जब थे तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने गाइड किया कैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाए, राजसूय यज्ञ किया जाए, ये राजा की कर्तव्य है। तो भगवान राजा के साथ जो कर्तव्य उन्होंने वो किया। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो थर्ड सेक्शन है, जब हम लोग हमारा कर्तव्य भगवान के लिए अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड को मतलब सकाम कर्म, अपने भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म नहीं करके हमारे कर्म को भगवान के लिए करना चाहिए। तो मैं खत्म करूंगा लास्ट नेक्स्ट 5 मिनट में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इस थर्ड सेक्शन में। तो एक कर्म होता है जो अपने इच्छा से किया जाता है, अपनी इच्छा से किया जाता है, वो शास्त्र के बहिर्भूत है, उसको कहते हैं विकर्म। उससे थोड़ा क्या बोलते हैं, ऊंचा वो लोग हैं जो अपने भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए देवता का पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देवता लोग ये देते हैं, ये देवता की पूजा करने से मिलेगा, वो देवता की पूजा करने से वो मिलेगा, वो देवता की पूजा करने से वो मिलेगा, क्योंकि अलग अलग देवता लोग अलग अलग वस्तु प्रदान करते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। उससे ऊंचा वो लोग हैं जो लोग जानते हैं कि देवता लोग भगवान के प्रतिनिधि है। कुछ लोग होते हैं देवता को ही सब कुछ मानते हैं, वो पाप कर्मिक से ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे आज के कलयुग जमाने में सब लोग एथिस्टिक हैं, वो लोग सोचते हैं नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नो गॉड, हम लोग कर्म करके
सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। वो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, हाईएस्ट मानते हैं कर्म को। लेकिन उससे श्रेष्ठ वो लोग हैं जिनको पता है कि देवता लोग अथॉरिटी है, वो लोग देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो अपने इच्छा को पूरी करने के लिए देवता को पूजा करते हैं, लेकिन वो लोग भगवान की पूजा नहीं करते। लेकिन उससे श्रेष्ठ वो है जिनको पता है कि भगवान ही देवता लोगों की प्रभु है, और भगवान के संक्षण के बिना देवता लोग हमें कुछ नहीं दे सकते हैं। देवता लोग भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, तो फिर वो डायरेक्ट भगवान के पास, भगवान पे अप्रोच करते हैं, लेकिन अपने भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। इसको कहते हैं कर्म योग। तो देवता की उपासक को कर्म कांडी कहते हैं, जो भौतिक चीजों के लिए देवता लोगों को पूजा करते हैं, इसको कर्म कांडी कहते हैं। और उससे ऊपर है जो भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान की, भगवान के पास जाते, वो लोग इससे श्रेष्ठ हैं, इनको कहते हैं कर्म योगी। तो इस प्रकार जब कर्म अनुष्ठान करके अपने भौतिक इच्छा को पूरी किया जाता है, जैसे वही हम लोग चर्चा किया सेकंड सेक्शन में, तो तब एक व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन होता है, एक व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, और तब वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारी इच्छा को पूरी करके भौतिक चीज प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन इस भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के दुख है उससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति बहुत बार अपने भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए अलग अलग देवी देवता या भगवान की पूजा करते, दान करते, अलग अलग यज्ञ करते हैं। उनकी इच्छा रहता है कि और उससे अच्छा सुख भोगे, उनकी इच्छा रहता है स्वर्ग में जाए और स्वर्ग में उससे ज्यादा सुख मिलेगा। तो स्वर्ग में मैटेरियल एंजॉयमेंट का भरपूर फैसिलिटी है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आ ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्तिनी अर्जुनो, स्वर्ग लोक क्या, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक सर्वत्र जन्म मृत्यु की चक्र चल रहा है, आ ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्तिनी अर्जुनो नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो आ ब्रह्म, तो जितने महात्मा लोग होते हैं वो मेरी उपासना करके मेरे धाम में वापस चले जाते हैं और इस मृत्युमय संसार में नहीं आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मुक्ति की वासना करते, कामना करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि भौतिक जगत में हर जगह में दुख है, तो लोग क्या करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो तब क्या होता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान के लिए किया जाता है, कर्म योग का अनुष्ठान होता है, तो तब क्या होता है, उनको नॉलेज प्राप्त होता है कि भौतिक जगत दुखदायी है, ये शरीर के साथ, शरीर के जो सुख है ये हमारे बंधन का कारण है, ये हमारे जन्म मृत्यु का कारण है, हम लोग जन्म मृत्यु से भटकते रहेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, उच्च लोक जाएंगे नीचे लोक जाएंगे। इवन देवता लोग का भी मृत्यु होता है, इंद्र चंद्र वरुण का एक पोस्ट है, इवन ब्रह्मा जी का भी पोस्ट है, उनका भी मृत्यु होता है। तो आप और मेरा क्या कहना, तो बोलता है कोई देवता की पूजा करना मतलब एक कुत्ते के लेच पकड़ के समुद्र पार होने की समान है। कुत्ते की लेच पकड़ के कोई समुद्र पार हो सकता है? तो देवता लोग खुद अपने आप को बचा नहीं सकते, तो आपको क्या बचाएंगे। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति कर्म योग का अनुशीलन करते हैं तो उनके शुद्धिकरण होता है, उनको धीरे धीरे समझ में आता है ये भौतिक जगत की स्थिति क्या है, हम लोगों की स्थिति क्या है, किस प्रकार हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, किस प्रकार ये पूरे ब्रह्म जो भौतिक जगत है ये दुखदायी है। तब वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो तब क्या होता है, कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ आगे जाता है। इसलिए अगला चैप्टर जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो कर्म योग से ज्ञान योग। तो इस प्रकार एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और वो मुक्ति के कामना करते हैं। लेकिन मुक्ति कामी में कुछ लोग निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को निराकार
सोचते हैं, जो हालांकि भगवान की असली स्वरूप नहीं है। तो भगवान की असली स्वरूप है साकार, भगवान की साकार रूप जो ब्रह्मेति परमात्मिति भगवान इति शब्द थे। तो ऐसे जो 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 ज्ञानी होते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे बहुत ज्ञानी बहुत जन्मों जन्मों के बाद ये सिद्धांत में ये निष्कर्ष में आके पहुंचता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण सब कुछ के इति एंड है, और ऐसे व्यक्ति सौ महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति महात्मा है। सौ महात्मा, महात्मा मतलब साधु के पोशाक पहनने से लोग जैसे बोलते महात्मा जी पंडित जी, साधु का पोशाक पहनने से लोग महात्मा नहीं बोलते, महात्मा हो जाते नहीं हो जाते। महात्मा वो होते हैं ज्ञानोबान माँ प्रपद, जो ज्ञानी इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तु की जो जो भोग है उसके पीछे उसके उसके जो फ्यूटिलिटी है उसका जो डिफेक्ट है वो समझ गए हैं, और भगवान से एकाकार होने के लिए प्रयास नहीं करके भगवान के चरणों में प्रपत्ति की है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किए हैं। ऐसे जो ज्ञानी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और ऐसे ज्ञानी क्या करते हैं, नहीं भगवान की शरणागत होते हैं, और इसलिए इसलिए ज्ञान योग के बाद है भक्ति योग, ज्ञान योग के बाद है भक्ति योग। तो इस चैप्टर में भगवान निष्काम कर्म योग करने के लिए कह रहे हैं, आप कर्म करिए और कर्म करिए, आपके जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको उसको पहले तो कर्म योग मतलब अपनी भगवान के लिए, भगवान के लिए भगवान के साथ जोड़ रहे लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने जरूरत को पूरी करने के लिए, तो इसमें अपना डिजायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के भक्ति से। लेकिन जब वो इस प्रकार अपनी इच्छा पूरी करते 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 इस भौतिक जगत में भटकते भटकते जब उसको समझ में आ जाता है कि भौतिक जगत दुखदायी है, तब क्या होता है भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, तब वो ज्ञान योग से भक्ति योग में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है? तब वो समझते कि अपने संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तो भगवान फुलफिल कर देंगे, लेकिन वो हमारा बंधन का कारण है, तब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुक्ति के तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर उससे आगे जब वो समझते कि भगवान ही सब कुछ के उद्देश्य है और भगवान को संतुष्ट करना ही भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन की परम सिद्धि है, सारे योग के उद्देश्य है। भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के शाश्वत धाम में चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, कर्म करते हैं लेकिन वो कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने भोग की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। और भगवान बोले अर्जुन को कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करो, अगर आप एक उदाहरण प्रस्तुत करोगे तो लोग आपको देख के फॉलो करेंगे। जद जद आचरति श्रेष्ठ तत् देव तरजन सजद प्रमाणम कुरुते लोको तदनिवर्तते, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति उनको अनुकरण करते हैं, लेकिन वो जो प्रमाण बोल के स्वीकार करते हैं दूसरे लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो अगर आप इसका आचरण करोगे लोग आपको फॉलो करेंगे, जैसे जनक महाराज ने किया था, जैसे मैं किया हूं उस प्रकार आप भी करो। तो आपका कर्तव्य है युद्ध करना और वो मेरे संतुष्टि के लिए करो। आप तो कर्म त्याग करना चाहते हो, युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप युद्ध करो, और वो युद्ध स्वर्ग जाने के लिए नहीं, सकाम कर्म मतलब कर्म त्याग, एक तो कर्म त्याग लोअर प्लेटफॉर्म, उससे ऊंचा है कर्म कर रहे लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए,
मतलब वर्क विथ अटैचमेंट, उससे ऊपर है वर्क विथ डिटैचमेंट, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग वर्क विथ डिटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अटैचमेंट इज ऑलवेज देयर। तो वो तो फिर क्या है, उससे ऊंचा क्या है, बुद्धि योग, मतलब वर्क फॉर कृष्णा, वर्क फॉर कृष्णा, वर्क विथ अटैचमेंट फॉर कृष्णा। एंड व्हेन यू आर वर्किंग वर्किंग विथ अटैचमेंट फॉर कृष्णा, देन यू आर नेचुरली डिटैच्ड। सो देयरफॉर वर्क फॉर कृष्णा इंक्लूड वर्क फॉर कृष्णा इंक्लूड्स वर्क विथ डिटैचमेंट, वर्क विथ डिटैचमेंट। बिकॉज when you work with detachment, you understand that everything belongs to Krishna. Krishna is the enjoyer. That's what we are offering sacrifice to Krishna, na? Krishna is the enjoyer of everything. इसलिए कृष्ण को सब कुछ ऑफर किया जा रहा है। हम लोग जो खाते हैं उसको ऑफर कर रहे हैं, जो हम लोग पैसा इनकम कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जो फैमिली लाइफ लीड कर रहे हैं भगवान को केंद्र करके कर रहे हैं, और बाकी सारे एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं। इस प्रकार जब कर्म भगवान के साथ, तो आपके शुद्धिकरण होगा, तब समझ जाएंगे कि भगवान सब कुछ के भोगता है। और फिर भगवान के लिए जब आप सब कुछ करते हैं तो तब क्या होता है, आपके रियलाइजेशन होगा, ज्ञान योग। और फिर आप सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो भक्ति योग। समझ रहे हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। तो इस प्रकार आगे भी इसका अगला चैप्टर है ज्ञान योग, उसके आगे आएगा ध्यान योग, और फिर सातवां चैप्टर से चालू होगा भक्ति योग, सात से लेके बारह अध्याय। सो मिडिल सिक्स चैप्टर इज भक्ति योग, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ भगवद गीता। तो आज हम लोग सेकेंड दो सेक्शन है, जो 10-9 नंबर श्लोक से लेके 35 नंबर श्लोक, हम लोगों ने उसका सार चर्चा किया। तो अभी 36 नंबर श्लोक जाके अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि ये जो ज्ञान जो कर्म से श्रेष्ठ है, इसका बाधक क्या है, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान योग में पहुंचना जरूरी है। तो उस ज्ञान के क्या बोलते हैं, शत्रु क्या है, आत्मा का शत्रु क्या है, ज्ञान की शत्रु क्या है जो आत्मा को बंधन में डालता है, तो वो पूछेंगे अर्जुन। किस कारण आत्मा का पतन हो सकता है, आत्मा का जो शुद्धिकरण नहीं होगा, तो वो अर्जुन पूछते हैं 36 नंबर श्लोक में, जो हम लोग अगले वीक में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर जो है, लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अगले वीक में चर्चा करेंगे। नाउ वी हैव सम अनाउंसमेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द अनाउंसमेंट। सो द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दैट coming week there is two options of dates. We are going to have a very special retreat. So we are going to visit a very beautiful holy place, that is Habibpur, ISKCON Habibpur. So this is a 2-day retreat, and we'll be also visiting the birthplace of Srila Bhaktivinod Thakur. So Bhaktivinod Thakur is the father of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is a great devotee, who was magistrate of he was government officer during British Lord time, British period. But same time he was a great devotee. He have written many books. He established Lord Chaitanya's movement after Lord Chaitanya's disappearance. He wrote many books that time in English, and he have sent to the American universities. So Bhaktivinod Thakur is his birthplace. He have discovered Mayapur Dham, Lord Chaitanya's birthplace also. So great devotee, one of the acharyas in our sampradaya. So we'll visit their his birthplace, and we'll be having very very important sessions, lectures
on different topic by different devotees. There is beautiful temple surrounded with beautiful like gardens, park and greeneries. In Habibpur there's beautiful small goshala also. We have beautiful guest houses. Akshay, are you here? If you can show some photos of Habibpur. So we are going to have a 2-day retreat over there. The dates options are kya na udhar. I have told him before. So yes. So the option date of the dates are, first option is 16th and 17th of coming week. 17th and 18th. 16th is Monday, 17th is Tuesday. So 17th and 18th, or Saturday, or agle coming Saturday, means 21st and 22nd. So this is the options. And there is, so this is one of the retreats.